खाने का कोई धर्म होता है क्या? खाने का किसी भी धर्म, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इससे कुछ लेना देना है? अगर है तो आप वो हमें बताइए, और अगर नहीं है तो इस बात का जवाब दीजिए जो सोशल मीडिया पर इस वक्त हम देख रहे हैं। इसमें आप साफ तौर पर देख रहे होंगे ये स्विगी ऐप के बारे में, यानी कि एक कस्टमर है जो तेलंगाना के हैदराबाद का बताया जा रहा है, जिसने ये बात लिखी अपने इंस्ट्रक्शन बॉक्स में कि मुझे जो खाना डिलीवर होके घर मेरे आएगा, जो मैं ऑनलाइन फूड मंगवा रहा हूँ, वो जो देने आएगा पर्सन, यानी कि जो ऑनलाइन डिलीवरी बॉय है स्विगी का, वो मुस्लिम धर्म से नहीं होना चाहिए, यानी कि वो मुस्लिम नहीं होना चाहिए। अब ये बात क्यों बोली गई है, अब ये बात क्यों लिखी गई है? दरअसल ये पूरा का पूरा मामला तेलंगाना के हैदराबाद का बताया जा रहा है, जिसमें बताया ये जा रहा है कि एक व्यक्ति ने, जिसने स्विगी से ऑनलाइन फूड ऑर्डर किया, उसने इंस्ट्रक्शन बॉक्स में साथ साथ ये भी लिखा कि जो मेरे घर फूड देने आएगा वो मुस्लिम नहीं होना, यानी कि मुस्लिम नहीं होना चाहिए, वो कोई हिंदू धर्म से होना चाहिए। अब ये बात उसने क्यों लिखी, इसके बारे में अभी स्पष्ट तौर पर कोई जानकारी तो नहीं है, लेकिन ऐसा हम ये जरूर कह सकते हैं कि हर किसी इंसान की, यानी कि इस देश में कोई ना कोई सोच है, लेकिन आज भी जातिवाद को लेकर अगर इस तरीके की कोई भी सोच रखता है तो वो बहुत ही निंदनीय है। क्योंकि मैं आपको इसके बारे में ये जानकारी जरूर देना चाहूंगी कि अगर मैं स्विगी ऐप की बात करूं, इस पूरे प्रकरण के बाद स्विगी ऐप की तरफ से अब तक कोई भी बात नहीं रखी गई है, लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया पर यह बात सामने आती है कि हैदराबाद के एक शख्स ने इंस्ट्रक्शन बॉक्स में ऐसा कहा और स्विगी को ऐसा करने के लिए कहा, तो लोग जरूर भड़क गए। लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू की, लोगों ने सोशल मीडिया पर गाली गलौज करना भी शुरू किया, अपनी बात रखनी भी शुरू की। गुस्से में उन्होंने बहुत सारे कमेंट्स भी किए, क्योंकि लोगों का यह कहना था कि खाने को किसी भी धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी जो तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन के स्टेट प्रेसिडेंट है शेख सलाउद्दीन, उन्होंने भी इस पूरे स्क्रीनशॉट को, इस पूरी बात को ट्विटर पर ट्वीट करके लिखा, जिसके बाद उस पर भी लोगों की प्रतिक्रियाएं आई, और उन्होंने यह भी कहा कि स्विगी को इस तरीके के ऑर्डर्स को बायकॉट कर देना चाहिए, यानी कि ऐसे ऑर्डर्स उन्हें लेने ही नहीं चाहिए जो लोग इस तरीके के इंस्ट्रक्शन दें। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगी ये देश में कोई ऐसा नहीं है, यानी कि ये कोई पहला मामला सामने आया कि किसी ने ये इंस्ट्रक्शन में लिखा हो कि, यानी कि किसी भी ऐप को, चाहे मैं स्विगी की बात करूं, जोमेटो की बात करूं, कि जो मेरे घर खाना देने आए, जो मुझे घर खाना पकड़ाने आए, वो मुस्लिम नहीं होना चाहिए। ऐसा बहुत से मामले पहले भी देखने को मिले हैं। साल 2019 में आपको याद होगा मध्य प्रदेश के भोपाल में भी एक ऐसा ही मामला देखने को मिला था, जिसमें एक शख्स के घर जब ऑनलाइन डिलीवरी देने के लिए, वो जोमेटो का बॉय था, यानी कि जोमेटो का ऑनलाइन डिलीवरी बॉय था, जब वो एक शख्स के घर खाना देने के लिए जाता है तो उससे वो शख्स पूछता है कि आप किस धर्म से हैं, आप किस, यानी कि किस धर्म से बिलोंग करते हैं, तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं मुस्लिम धर्म से हूं, तो उस वक्त उस व्यक्ति ने खाना लेने से मना कर दिया जिसके घर वो मुस्लिम धर्म का ऑनलाइन डिलीवरी बॉय खाना देने जाता है। और ऐसे में उस पर भी लोग उस वक्त, यानी कि बहुत ज़्यादा भड़के थे उस वक्त भी, उस डिलीवरी बॉय ने जब वो वापस गया, उसने भी ट्वीट करके ये बात ज़रूर लिखी थी, सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी ये बात लिखी थी कि खाने का कोई भी धर्म नहीं होता, बल्कि खाना ही धर्म है। और ऐसे में रह रहकर लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों आज भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई नहीं है, आपस में कोई भी एक दूसरे का नहीं दिखाई देता, क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले सामने आते हैं। हालांकि देखने वाली बात यह है कि बहुत सारे वीडियोस भी हालांकि ऐसे सामने आई, मैं किसी भी एक वीडियो को लेकर बहुत, यानी कि बड़ी बात नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन बहुत सारी वीडियोस, चाहे मैं मुस्लिम धर्म की बात करूं, उनकी सामने आती हैं, जिसके बाद लोग अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, लोग मुस्लिम धर्म के लोगों से हटना शुरू कर देते हैं, दूर होना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अगर एक तालाब में, हालांकि ये कहा जरूर जाता है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा जरूर करती है, और ऐसे ही अगर किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का एक शख्स है जिसने कोई गलत काम किया हो, तो पूरे धर्म को ऐसे ही माना जाता है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी, यानी कि देश में आबादी है, और ऐसे में अगर एक शख्स गलत है तो ऐसा नहीं है कि उस धर्म से जुड़े हुए सभी के सभी लोग गलत होंगे। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।